अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आप लोगों को बता दूं, आज की इस वीडियो में जो अमल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये अमल मेरे वाले साहब जब से मैं पैदा हुआ हूं, बचपन से जब से उनको देखा है तब से वो इसी अमल को करते हुए आए, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आती। हमेशा वो इस अमल को करने के बाद जो भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं वो जरूर कबूल होती है। तो अगर आप लोग उनकी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उन्हें सारी कॉमेंटें दिखा देंगे, वो आप लोगों के हक में दुआ कर देंगे आपके नाम से। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते। तो प्यारे दोस्तों, ये अमल जो आप लोगों को इस वीडियो में बताया जा रहा है, जिन लोगों को इस अमल पर यकीन ना हो वो लोग अभी इस अमल को आजमा सकते हैं। अगर उन लोगों का फौरन काम ना बन जाए तो वो लोग जो चाहे कॉमेंट बॉक्स में बोलकर जा सकते हैं। ये अमल बुजुर्गों के दौर से चला आ रहा है। ये अमल रुकावट को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है, मुसीबतों को दूर करता है, मकसद को पूरा करता है, बिगड़े कामों को बना देता है, घर में बरकत होती है, घर से परेशानियां दूर हो जाती है। अगर इस अमल को बे औलाद करे तो अल्लाह उसको नेक औलाद अता फरमाए। अगर कोई परेशान हाल करे तो अल्लाह तबारक वताला उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। अगर कोई बेरोजगार करे तो अल्लाह तबारक वताला उसको रोजगार अता फरमा दे। अगर कोई कर्जदार करे तो अल्लाह तबारक वताला गैप से उसका कर्जा अदा फरमा दे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी भी मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक वताला आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। और ये मेरा भी आजमाया हुआ है और मेरे वाले साहब का भी आजमाया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं इस अमल को करने का तरीका। तो आप लोगों को इस अमल को रात को सोते वक्त करना है, जब आप लोग हर काम से फारिग हो जाएं। तो आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए, दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर इंसान के याद होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो आप लोगों को सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ का ही वजीफा करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से रोक रोक के इत्मीनान से पढ़ना है 786 मरतबा, यानी कि 786 टाइम। और फिर उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। इस अमल से आप लोग नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हैं। मैं खुद इस अमल से हर चीज की गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में इस अमल की बरकत देखी। इस अमल की अगर आप लोग इजाजत लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के वीडियो को लाइक करते ही समझ लीजिए आप लोगों को इस अमल की इजाजत मिल गई। वैसे इसकी इजाजत आम है, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग इस अमल को करना चाहते हैं। इस अमल का मामूल बना लीजिए, रोजाना आप लोग करते रहिए। अमल को पूरा करने के बाद अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप लोग बैठे होंगे तो उठने से पहले, और अगर खड़े होगे तो बैठने से पहले अल्लाह तबारक वताला आपकी दुआएं कबूल फरमा लेगा। मेरे कहने से अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक वताला आप लोग मायूस नहीं उठोगे। ये अमल मैं आप लोगों को पहले भी बताने वाला था लेकिन दिमाग से निकल जाता है। असल में जो चीज सामने होती है ना वो चीज ध्यान नहीं रहती है, जो चीज पढ़ो बस वही बता दो। ये अमल बहुत पावरफुल है मेरे भाई, इसको हल्के में मत लेना, इसको आगे शेयर जरूर करना। जितने भी जानने वाले लोग हैं उन लोगों तक शेयर जरूर कर देना। अगर एक बंदे ने भी 786 मरतबा आपकी वजह से बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ ले तो मेरे समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं, आपको कितना सवाब मिलेगा। इसी नियत से इस वीडियो को शेयर कर